एलजी साहब आपको नजर आ रहा है, हमारे बच्चे यहाँ पे प्रेस क्लब के बाहर बेहोश हो रहे हैं इतनी गर्मी में, आपको क्यों दिखाई नहीं दे रहा? एलजी साहब, रमन रमन उठो बेटे, उठो 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 यार, खोलो यार, वो यार खुला है, इसको अंदर कोई नहीं है। रमन एलजी साहब बहुत सीरियस है, अगर किसी को कुछ हो गया और ये बच्चे, रमन बड़ा सीरियस है, रमन ये रमन को कुछ हो गया तो इसके लिए एलजी साहब आप जिम्मेवार होंगे। ये ना बोल रहा है ना कुछ सुन रहा है, पानी पानी दे रहा है। आपने हमारे बच्चों को बर्बाद कर दिया, हमारे यहाँ पे बच्चे मर रहे हैं हमारे, आपको दिखाई नहीं दे रहा वो यार, गाड़ी अपनी ना ठहरो ठहरो शकील आ जाए यार, शकील कहाँ है शकील, जल्दी करो यार जल्दी करो, मते बंदे नहीं जाओ, शकील भैया शकील भैया नजर ही बंदा सीपीआर दे, कोई बैठो यार सीपीआर सीपीआर दो भैया, शीशे खोलो शीशे, शकील भैया सीपीआर दो। ये देखिए हमारा बच्चा परेशान हो गए, 10 दिन हो गए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब आपने खामोशी धारी हुई है, आप अपनी खामोशी चुप्पी को तोड़िए, हमारे बच्चे यहाँ पे भूखे प्यासे पिछले 10 दिन से, जम्मू कश्मीर की बेटियाँ और बेटे प्रेस क्लब के बाहर भूखे प्यासे गर्मी बारिश हुमस में बैठे हुए, आज अभी अभी रमन को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, नहीं उठेंगे वो, नहीं उठेंगे वो, बेहोश हो गया, शेड हो गया, और लेकिन ये बच्चे मारने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए हमारी ये मांग है हाथ खड़े करके कि आप अपनी चुप्पी को तोड़े, खामोशी को तोड़े, और साथ में फाइनेंशियल अकाउंट्स असिस्टेंट का बच्चा फेड हो गया, बेहोश हो गया, 10 दिनों से भूखे प्रेस क्लब के बाहर बैठे हुए हैं, आपको कोई सुनाई नहीं दे रहा, आप यहाँ पे एलजी साहब आप इनकी सिलेक्शन लिस्ट क्यों नहीं निकालते, ये मेरिटोरियस बच्चे हैं, पोजीशन होल्डर्स बच्चे हैं, इन्होंने सब इंस्पेक्टर की क्वालिफाई किया, आपने वो लिस्ट इनकी स्क्रैप कर दी, आज ये फाइनेंशियल अकाउंट्स के असिस्टेंट के लिए सिलेक्ट हुए, आप इनकी लिस्ट नहीं निकाल रही है, ये मेरिटोरियस बच्चे, ये पढ़े लिखे बच्चे क्यों आप इन्हें दरबदर कर रहे हैं? और आपने देखा कि अभी अभी रमन नाम का नौजवान, माँ का बेटा, जम्मू कश्मीर का बेटा और हमारी बेटियां प्रेस क्लब के बाहर बैठी हुई है और उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। आज हम आपको चेतावनी देते हैं कि अगर सिलेक्शन लिस्ट 72 घंटे के अंदर नहीं निकाली गई या उप राज्यपाल साहब आपका कोई बयान नहीं आया, अपनी खामोशी को तोड़िए, इसके गंभीर परिणाम होंगे।